राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। वसुंधरा राजे के करीबी पूर्व मंत्री यूनुस खान ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है। दरअसल नागौर जिले की डिडवाना से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे। आपको बता दें कि यूनुस खान वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वो 5 साल तक राजस्थान के परिवहन मंत्री रहे। 2018 में सचिन पायलट के खिलाफ यूनुस खान को आखिरी मौके पर बीजेपी ने टोंक से चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस मुस्लिम और गुर्जर बाहुल्य सीट से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय यूनुस खान 53,000 वोटों से हार गए थे। वसुंधरा राजे के करीबी पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, यूनुस खान और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का एकमात्र मुस्लिम चेहरा यूनुस खान टिकट नहीं मिलने से खफा थे। राजस्थान बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे यूनुस खान के पार्टी छोड़ने के ऐलान से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो सकती है। यूनुस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। खान ने ये दोनों ऐलान डिडवाना में कार्यकर्ताओं की बुलाई गई सभा में किया है। यूनुस खान के इस ऐलान के बाद अब डिडवाना में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान को बीजेपी का टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आखिर तक इंतजार करते रह गए। यूनुस खान राजस्थान बीजेपी का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा कहे जाते हैं। वो लगातार 2 बार डिडवाना से बीजेपी के विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में यूनुस खान को बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के सामने टोंक से चुनाव मैदान में उतारा था, तब भी वो पूरी ताकत से लड़े। अब देखना होगा कि निर्दलीय लड़कर वो बीजेपी का कितना नुकसान करते हैं।